यहाँ में एक ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेटर देने से अच्छा काम के कमल है लेकिन इसमें TTAADC लिखना चाहिए। किन लोगों को क्या सामान दिया गया है, टोटल कितना कॉस्ट है और इससे गांव के लोगों को किस तरह का बेनिफिट होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हमने अपने TTAADC से अब हमने 3 एम्बुलेंसेस हमने दिया है अपने खेरिंगबार हॉस्पिटल को और अपने तुईकर्मा हॉस्पिटल को वहाँ में भी दिया है। और ये बेसिकली हमारे ADC एरियाज में जिन जिन को प्रॉब्लम है उनके लिए है। हमने ये पूरा जो काम किया है ये थ्रू गवर्नमेंट रेट्स में किया है, थ्रू एट कॉस्ट प्राइस किया है एंड कंपनी ने ही ये एम्बुलेंसेस हमको दिए हैं। लेकिन सिर्फ 3 से नहीं होगा, हम सोचते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोगों को मोबाइल हॉस्पिटल्स, मोबाइल एम्बुलेंसेस करना चाहिए जहां में जाकर हम लोग हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डॉक्टर्स को वहीं में भेजकर हेल्थ कैंप्स करेंगे, चेकअप्स करेंगे और जिसका प्रॉब्लम सीरियस है उनको हम रेफर भी करेंगे टू रिक्विजिट हॉस्पिटल्स। महाराज जी, आपने स्टेट गवर्नमेंट से हेल्थ सेक्टर के लिए पैसा मांगा था ADC के लिए जी, अभी तक क्या रेस्पॉन्स मिला है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हमने कोरोना के सेकंड वेव के टाइम 2 करोड़ मांगा था, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर आदरणीय मुख्यमंत्री जी खेरिंगबार हॉस्पिटल आए थे ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए, उस समय हमने 28 करोड़ मांगा था, चीफ मिनिस्टर ने 30 करोड़ कहा था। अभी तक आज दिसंबर हो गया है, अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है, हमें आज तक 1 पैसा नहीं मिला है। तो हमारे अंदर बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ADC को सौतेला बच्चा रखकर हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। अगर कोई भी कहता है कि 1 त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा है तो ADC को अपना सौतेला बच्चा जैसा देखकर अगर कोई शासन करेगा तो ये त्रिपुरा का ही नुकसान होगा। ADC में सब रहते हैं, ADC में तिपरासा रहता है, ADC में बंगालीज रहते हैं, ADC इन जगह में और हमने आइडेंटिफाई किया है कहाँ में हम लोग रख सकते हैं और एक मॉनिटरिंग कमेटी है जहाँ में लोकल MLA एंड MDCs एंड EMs फ्रॉम द ADC सब जाएंगे और वो जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन हम लोग अपने ब्रू को एक ऐसा ज़िंदगी देना चाहते हैं जहाँ में उनका सम्मान भी रहे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। We want the best for our brews and I will not compromise on the interest of the brew people. ADC में बंगालीज रहते हैं, ADC में क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट सब रहते हैं और ADC में अगर हमें अगर हेल्प किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं होगा तब भी हम अपने तरीके से प्राइवेटाइजेशन होकर अपने पॉकेट में कुछ इनोवेशन करके हम कुछ ना कुछ खुद करेंगे। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये डबल स्पीक जो डबल इंजन का सरकार है, जो सब बोलते हैं डबल इंजन का सरकार है, आज त्रिपुरा में 3 इंजन का सरकार है और ये तीसरा इंजन रूलिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम त्रिपुरा का भला नहीं चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम त्रिपुरा में सबको अच्छा नहीं देखना चाहते। सो आई रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू लुक एट अस सिंपैथेटिकली एंड लुक एट अस विद अ बिगर हार्ट। सर आपने रेज भी किया है असेंबली में आज, तो सबका क्या रेस्पॉन्स था उसमें? देखिए काउंसिल में हमारा BJP के बहुत विधायक हैं, उनके संग हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं, वो और हम बहुत स्मूथली काम कर रहे हैं। मे बी अगर अगरतला से MLAs आकर काउंसिल में देखेंगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं तो उनका भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ में काउंसिल में
हम पार्टी को लाइन में पहले नहीं रखते हैं, हम कम्युनिटी का वेलफेयर देखकर आगे बढ़ते हैं, और अगर यही चीज़ पूरे स्टेट में किया जाएगा तो त्रिपुरा का भला होगा। सर एक अलग क्वेश्चन है, पूछ लीजिए, क्योंकि कल प्रतिमा भूमिके संग मीटिंग हुआ था अपना। अच्छा सर, दूसरी एक बात है कि कल हमने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा था कि ADC में अलग से पुलिस डिप्लॉय करना चाहते हैं वो लोग, ADC प्रशासन, तो उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी था? उन्होंने बोला है कि ये रूल्स है या नहीं है उनको पता ही नहीं है, और ये ऐसे बोलने से नहीं होगा, फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए, आपका क्या उसमें कहावत होगा? कानून क्लियरली बोलता है, पहला बात है कि ये जो पुलिस बिल है ये 1997 में गवर्नर ने इसका अनुमति दे दिया है। दूसरा बात है कि कानून इस देश में जब तक फाइनेंस बिल क्लियर नहीं करता है तब तक गवर्नर कोई भी बिल को साइन नहीं करता है, ये कानून है। गवर्नर विल ओनली साइन द बिल जब फाइनेंस इसको क्लियर करता है। देश में गवर्नर कानून बनाने के बाद पैसे का आयोजन नहीं होता है, पहले पैसे का फाइनेंस का कैपेबिलिटी देखा जाता है, उसी के बाद कानून पास किया जाता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट ने 1997 में कर दिया था। अगर चीफ मिनिस्टर को अभी ये शायद बात मालूम नहीं है तो उनको शायद उनके चीफ सेक्रेटरी उनके ऑफिशियल्स ये बात दिखा देंगे, और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम अपने ADC में अगर पुलिस का हम एक किसी का हानि है, डिसिप्लिन रहेगा, यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी रहेगा। सब लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा में एक प्रॉब्लम है, अगर हम इंक्लूड करेंगे यूथ को जो आज बेरोजगार है, जो ड्रग्स के रास्ते में चले जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको अगर आप यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस में लाएंगे, देश के सेवा के लिए लाएंगे, ADC के काम के लिए लाएंगे, त्रिपुरा के काम के लिए लाएंगे, तो इससे यूथ अच्छे रास्ते में जाएगा, और इससे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहेगा, इससे क्राइम भी कम आएगा। सर आपने एक सही बात बोला कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ता पे आएगा, मगर लोग इसको बोल रहे हैं कि अभी ADC को क्या ज़रूरत है अलग से करने का, इसके बारे में क्या कहना? कौन लोग बोल रहे हैं आप उनका नाम बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तिपरासा इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। आप लोग एक तरह ये लोग क्या है, आप उनका छवि सामने लाइए। मैं हमेशा मीडिया से सुनता हूँ कि लोग बोल रहे हैं, उस लोग का एक छवि तो होगा, वो व्यक्ति कौन है, उनको सामने आकर हमसे 1-to-1 डिबेट करने बोलिए, और आप तब अपने मीडिया से इसको कवर कीजिए, और तब आपको मालूम पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर अभी जो रियांग रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी नहीं है, सॉरी हमारे रियांग जो अभी उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में? हमारा कल ही मीटिंग हुआ था विद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रतिमा भौमिक जी, उसमें हमारे EM भवरंजन रियांग, डॉली रियांग, ऑपोजिशन से MDC भूमिकानंद रियांग, MLA प्रमोद रियांग, चीफ सेक्रेटरी, हम लोग सब थे वहाँ में, DMs थे, और हम चाहते हैं कि ये फरवरी तक ये इशू को हम सॉल्व कर ले, और उनके रहने का, उनके कंडीशन का बारे भी हमको सोचना है, और एक ठीक तरीके से, क्योंकि आज का जो रियांग है, आज का जो ब्रू है, उनको हम सिर्फ बकरी और बैल बकरी देने से उनका भविष्य नहीं बनेगा। वहाँ में उनके लिए स्कूल होना चाहिए, वहाँ में उनके लिए एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगाया जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँचेगा या कटेजेस होगा तो उनका नुकसान होगा। तो आज 2022 में अगर हम रियांग्स को सेटल करना चाह रहे हैं तो उनका एक सम्मानजनक उनका सेटलमेंट होना चाहिए विद प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। तो ये हमारा पॉइंट था। मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ, एंड हमने फरवरी का कट ऑफ लाइन रखा है, और तीन जगह में और हमने आइडेंटिफाई किया है कहाँ में हम लोग रख सकते हैं, और